विवाहिता ने घर पर लगाई फांसी। 4 महीने पहले हुई थी शादी पर जनों का आरोप कि ससुराल वालों ने की है लड़की की हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया जांच में। ग्राम रानीपुरा में आज एक नवविवाहिता ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के परिजन ने ससुराल पक्ष पर लड़की की हत्या का आरोप लगाया है कि लड़की की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी और कल ही ससुराल आई थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। राजपुर SDOP PS बघेल ने बताया कि नवविवाहिता के द्वारा फांसी का मामला आया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। लड़की के परिजनों ने लड़की के ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। जांच में जो सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। ग्लोबल न्यूज टीवी के लिए भवानी सुरेंद्र की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सालू। मृतक के क्या लगते हो? पोरी मेरे भतीजे लगते। क्या हुआ आपके भतीजे से? मेरे भतीजे के सर वो पहले से ऐसे लग रहे, ये 11वां महीना में शादी करे इसके, तो ये 4-5 महीना हुआ ना, वो अच्छे नहीं रखते ससुराल वाले। उसका पति भी नहीं अच्छे रखते, उसकी सास भी नहीं अच्छी रखती। तो वो लड़की हमारे यहाँ गई थी, मेरा भाई के यहाँ। तो कल लड़की को भेजा हम, मैं सुबह तक ऐसी खबर चली गई। क्या कर लिया? वो ये लोग कह रहे कि फांसी खा ले। आपको तो क्या लगता है? हमको सर फांसी नहीं खाई, हमको तो मार डाले से लग रहे। कितना समय हुआ था शादी का? शादी का 4 महीना है शादी का। श्रीमती पिंकी पति अनिल भील उम्र 19 वर्ष निवासी रानीपुरा की 4 माह पहले शादी हुई थी अनिल से। उसने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उनके पर लड़की के माता पिता आरोप लगाया कि उसी मार्ग में टांग दिया गया है। थाना राजपुर चौकी भागसूर पर मार्ग कायम करके PM हो रहा है और इससे जांच करके, बारीकी से जांच करके जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी।